मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, मैं आ रहा हूँ बिहार से। मेरे साथ मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा 12 साल का है। उसको सुनने और बोलने में तकलीफ थी, सुन नहीं पाता था तो बोलेगा क्या। दो तीन डॉक्टर को दिखाया और पैसे भी खर्च हुए, और उसका तो बता नहीं सकते हैं कि जब बीमार कोई होता है तो पैसे कैसे खर्च होते हैं, कैसे जाते हैं, ये तो बता नहीं सकते। कहीं रिजल्ट नहीं मिला, कोई ऐसा दिया ही नहीं, कॉन्फिडेंस वाला कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। हम आपके बारे में हमें यूट्यूब से पता चला, फिर फ़ोन किए, फोन पर जैसा हमको रिस्पांस मिला उससे हमको कॉन्फिडेंस आया और मैं आना बेहतर समझा। बहुत परेशानी थी, आना ज़रूरी था, लॉकडाउन की वजह से जो है ट्रेन नहीं चल रहा, बस से इतना दूर आना तो मुनासिब नहीं है। रात में जो है प्लेन का बाई प्लेन आने का इरादा किया और उसी के जरिए आए। दो घंटे के बाद तो जाहिर सी बात है, दो घंटे के बाद जो लगा वो तो आदमी को सोचना पड़ रहा है कि इतना भी दो घंटे में अगर क्योर हो जा रहा है कि आवाज़ को सुन ले रहा है, उसको बोल ले रहा है, तो आगे दिन जो दवा खिलाना है और दवा जो डालना है उससे हो सकता है कि ऊपर वाले और बेहतर करेंगे। देखिए दो शब्द में यही कहना है कि जिस जगह है, जिस हालत में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये देखने के बाद ऐसा महसूस हो तो हर तरह से चीप एंड बेस्ट जिसको कहा जाता है वो इलाज है। भरोसे के साथ आना चाहिए, और जब मैं खुद आया हूँ तो भरोसे ही लेकर आया हूँ और भरोसा हासिल करके ही जा रहा हूँ।